ओके हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? ऑन। ओके यस सर। ओके ग्रेट। गुड़िया जी लीव कर दी हैं। अच्छा, आ गई। सोनम जी लीव कर दी हैं। ठीक है, सब आ गए। हाँ, बस 3 ही लोगों से उम्मीद है वैसे भी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ से ओवर पढ़ा था। ठीक है, तो देखो छोटा सा ओवरव्यू, क्योंकि लॉग के जो ग्राफ होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, तो बस छोटा सा ओवरव्यू देंगे सिर्फ एक्सपोनेंशियल का ओनली। तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअल में एक ही टाइप होती है, और इसमें जो ए होता है, आपको पता है कि एक्स और वाई नंबर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कॉज और इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो ए है, ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उनमें से ही बहुत सारे नंबर हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर नंबर जिसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, ओके, जिसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, हम कभी कभी एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्चुअली मेजरली हम यही यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो ग्राफ हैं ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक ऐसा नंबर होता है, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये गोल्डन रेशियो से रिलेटेड नंबर है। ठीक है, आपको अगर मौका मिले तो कभी यूट्यूब वगैरह पर सर्च करना कि गोल्डन रेशियो क्या होता है। गोल्डन रेशियो हमारी जो नेचर है, ठीक है, नेचर की जो फिजिक्स है हमारी, उसको समझने में मदद करता है गोल्डन रेशियो। ठीक है, ये एक टाइप का स्पायरल शेप का होता है, और ये हमारा एक रेक्टेंगल के अंदर, मान लो जैसे एक स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक स्क्वायर, फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक स्क्वायर, और सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास एक स्पायरल फॉर्मेशन हो जाती है। इसी स्पायरल फॉर्मेशन को, और इस रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं ना, इनके रेशियो को गोल्डन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें इनका बहुत महत्व है। जो भी हमारा रेशियो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दूंगा, बस ऐसे ही ओवरव्यू सुन लो कि जो गोल्डन रेशियो होता है, ये संसार की हर सुंदर चीज में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आप दो, मान लो, खूबसूरत हमारी हीरोइंस को कंपेयर करो और पूछो कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, और भाई एवरेज हमने सब सब लोगों से पूछ के निकाला, 100 लोगों से 80 ने बोला कि नंबर 1 वाली जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो फेस कट होगा, है ना, उनकी जो बॉडी होगी, वो गोल्डन रेशियो से सबसे सबसे ज्यादा मैच होगी। ओके, और बाकी ये खुद ही मतलब ढलने में काम आता है। जैसे फूलों के, अगर आप पत्तियों के बीच में, जैसे हमारा ये होता है ना, यहाँ पर जो हमारी ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन भी गोल्डन रेशियो पे बेस्ड होता है। आपकी जो गैलेक्सीज होती हैं वो भी स्पायरल शेप की होती हैं, गोल्डन रेशियो बेस्ड होती हैं। हमारी जो कैट होती है, जब वो पूरा घूम के बैठती है ना, तब उसको सबसे अच्छी ज्यादा नींद आती है, क्योंकि वो स्पायरल शेप में बैठती है। तो मतलब ये सब चीजें हैं, ठीक है, जो हमारे गोल्डन रेशियो को बताती हैं, और उनमें हमारा आता है यूलर नंबर। और यूलर नंबर की जो हमारी सिग्निफिकेंस है वो है ई, और इसकी वैल्यू क्या है, 2.718। तो हमारे पास 2 टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, एक हो गया ए की पावर एक्स और एक गया ए की पावर एक्स। इनके ग्राफ हमने कल बताए थे। जब हमारा जो ए नंबर होता है, इसको ना एक्चुअली में ये बहुत सारे नंबर हो सकते थे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता था। बट मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम सिर्फ लिमिटेशन पढ़ते हैं, मतलब कुछ ही चीज पढ़ पाते हैं जो हमें पता होती है, क्योंकि उन लिमिट्स के बाद वो फंक्शंस, वो वैल्यूज खराब होने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा समझना कि जब हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन 1 है, जब हमारा ए ग्रेटर देन 1 है, तो वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा वाला बनता है, ये वाला। ठीक है, और जब हमारा जो ए होता है वो 0 से 1 के बीच में, यानी कि फ्रैक्शनल में होता है, 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे, तो उसकी जो वैल्यू होती है पॉइंट में होती है, और हमारा ग्राफ ये वाला बनता है। ठीक है, इन दोनों ग्राफ में एक कॉमन पार्ट ये है कि ये दोनों 0.1 पे से पास हो रहे होते हैं। ओके, लॉगरिथमिक ग्राफ पढ़ने हैं इसलिए एक्सपोनेंशियल पढ़ना जरूरी है। ओके, ये समझ में आ गया तो वो आ ही गया लगभग। ठीक है, सेम टू सेम है ये, 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, 0.1 पॉइंट हो गया। हमने 2 ग्राफ बता दिए फटाफट कि भाई जब ए ऐसा होगा तो ये वाला ग्राफ, और ए ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ हो गए। अब बाकी सब इतनी हमने ज्यादा डीप में पढ़ा था ये, तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लो कि इसकी शिफ्टिंग कैसे होती है। ठीक है, ये हमने बताए थे 4 पॉइंट्स। जिसने 4 पॉइंट नोट नहीं किए भाई, पहले ये 4 पॉइंट प्लीज नोट कर लो आप लोग।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जैसे मान लो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज क्या थी? इनिशियल वैल्यू हमारी एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है? जीरो। देखो ना, ये इधर है ना ये इधर है, ये ओरिजिन पर जा रहा है, ठीक है ना, ये पूरी लाइन किस पे है? ओरिजिन पर है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू एक्स की कितनी है? जीरो। अच्छा, और वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी है? वन, है ना भाई, वन। कब? जब हमने ग्राफ बनाया वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का। ओके, ये चीज आपको समझनी है, बस इतनी चीज। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ जो हम खिलवाड़ करेंगे, जैसे कि हमारा जो ए है, कैपिटल बी है, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, हमने इस वाई इज इक्वल टू ए ए की पावर एक्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने, इसमें और इंक्लूड कर दिया। क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया है जिसमें इनिशियल पॉइंट ये दोनों है ना, 0.1 से ये चीज पास हो रही है। बट जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा हो, क्या पता कुछ ग्राफ्स ऐसे भी आए जिसमें हमारी 0.1 से पास ना हो, कहीं और से पास हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यूज डाली हैं, माइनस ए यहाँ पर डाल दिया और ये पूरा अलग से माइनस बी यहाँ पर डाल दिया। ए और बी दो कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूज जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से। तो जैसे मान लो आप इसको पढ़ने के बाद इस चीज का ग्राफ बना सकते हो कि भाई ए की पावर, मान लो मैंने लिख दी ए एक्स माइनस वन माइनस टू, है ना, तो इस चीज का ग्राफ आप बना पाओगे। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है, माइनस ए, ठीक है, माइनस ए यानी कि यहाँ पर देखो माइनस ए मतलब नेगेटिव वाला, अगर ए आ जाता है हमारे इसमें फॉर्मूले में, है ना, माइनस ए आ रहा है, तो हमारा जो ग्राफ ग्राफ होगा वो ए टाइम्स ए वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो पहले हमारी वैल्यू क्या थी? एक्स की जीरो थी, अब क्या हो जाएगी? अब इसमें प्लस कर दो ए हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हम प्लस करेंगे ना हमेशा, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस ए। तो मतलब जो ग्राफ बनने वाला है वो यहां से कट ना होके, मतलब यहाँ पे देखो वन से कट हो रहा था, 0.1, तो यहाँ पर था एक्स जीरो, बट अब क्या होगा, यही पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा ए पॉइंट पर, किसमें? 0+a यानी कि ए पर। तो ये पूरा पॉइंट शिफ्ट हो गया ए पर, तो यहाँ पर आ गया ये क्या बन गया पॉइंट? अब 0, सॉरी 1.1। ओके, ये तब हुआ जब सिर्फ हमने ए की बात करी। अब जब बी बी भी आ गया इसमें मान लो, ठीक है, अभी तो ए तक बात करी, अब बी भी इंक्लूड कर देते हैं। तो जब बी भी इंक्लूड हो गया तो ध्यान से देखो, इसके पास माइनस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, इट मीन्स ग्राफ को कैसा शिफ्ट करना है? डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। कहां पर शिफ्ट करना, कितना शिफ्ट करना है? 1+b। 1+b क्यों लिखा है? क्योंकि इनिशियली इसमें वन वैल्यू थी, तो इसमें और क्या ऐड हो जाएगा? b ऐड हो जाएगा। 1+b देखो जरा कैसे करेंगे, वन तो ये था ही, ठीक है, और b और वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड साइड, है ना, डाउनवर्ड साइड। तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा? देखो यहां से मैंने ए शिफ्ट कर दिया, 0.1 जो था वो ए पर शिफ्ट हो गया है, ए यहां से यहां तक की दूरी है, ये आ गया हमारा 1.1 पार्ट, ठीक है। अब हम कहां पर शिफ्ट करेंगे इसे? अब हम करेंगे बी पे शिफ्ट। तो वन तो यहां से यहां तक की दूरी थी ही पहले भी, अब हम इसको नीचे डाउनवर्ड टाइम्स बी शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये यहां पर ना होकर अब बी टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, वन तो था ही, बी टाइम्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, जो कि ऐसा बन रहा था पहले, ये 0.1 से पास हो रहा था, अब ये यहां से पास होगा, और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? 1.b, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस, आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम ग्राफ की शिफ्टिंग करते हैं, और ये ग्राफ मैंने यहाँ पे भी बना दिया क्लियर करके दोबारा से, कि ये हमारा ए कॉमा बी पे शिफ्ट हो गया पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब फंक्शन हमारा ऐसा है, ठीक है, और जब सॉरी जब फंक्शन हमारा ऐसा है, ठीक है, और जब कुछ नहीं था तो ये वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ऐसे था। इतना तो क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाऊं अब फटाफट बोल दो, चलो सब फटाफट बोलो यार। अच्छा, चाय पियेगा कोई? चाय पी रहे हैं हम, एक सेकेंड। यस सर ओके, बाकी सब? अरे वाह ना, अरे सोनम क्लियर क्यों नहीं हुआ भाई, क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, चाय पीने के लिए मना किए क्या? ओके ओके, ठीक है, शाबाश, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा है भाई सबका। हाँ ओके, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, तो अब लॉगरिथमिक की बात करी थी, और मैंने बताया था कि भाई एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया है ना, तो लॉगरिथमिक समझ में आ गया। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई ये दोनों चीजें रिलेटेबल हैं आपस में। इसका एक प्रूफ छोटा सा देता हूँ, अगर मान लो वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो कैसे मैं इसको लॉग में चेंज करूं भाई? लॉग में चेंज करना है, एक साइड लॉग लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोथ साइड लॉग ले लूंगा पहले, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है, ये एक पूरा फंक्शन है, ये एक फंक्शन, ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड बेस ए के साथ लॉग ले लिया मैंने, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे लगा देता हूँ नीचे, बाद में दिखाते हैं सेकंड स्टेप में। लॉग बेस ए के साथ इधर भी लॉग लिया और लॉग बेस ए के साथ इधर भी लॉग लिया, ठीक है, ये हो गया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिपेंडेंट कैसे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिपेंडेंट कैसे है, बस इतना बता रहा हूँ, ठीक है। पहले अभी क्या होता है, हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला था हमारे पास इसको यूज करने के लिए, कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जब लॉग कोई भी बेस होता है और यहाँ m की पावर n होती है, तो क्या होता है, n आगे चला जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स log a m, ओके। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, log a y इज इक्वल टू, x बाहर आ गया, log a a। अब बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग, व्हाट विल बी द पावर ऑफ दिस बेस टू गेट मी द आर्ग्यूमेंट, ओके, व्हाट विल बी द पावर ऑफ बेस टू गेट मी द आर्ग्यूमेंट। अभी तो सिंपल दिख रहा है आपको कि भाई ए की कैसी क्या पावर हो कि मुझे ए मिल जाए, सिंपल वन है ना। तो ये पूरी चीज क्या हो गई, इसका आंसर पूरा क्या हो गया, लॉग ए, ए का आंसर क्या हो गया, वन हो गया। इट मीन्स हम पे बचा क्या, हम पे बचा लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि हमारा वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स था, उसको हमने लॉग में चेंज कर दिया, ठीक है ना। और अब इन दोनों का ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम है, ओके। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने ये फंक्शन कैसे बना दिया, इस फंक्शन में मैंने इसको इससे बनाया है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, और इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम होगा अगर आपको ऐसे लिख के आता है तो। बट प्रॉब्लम ये है यार, हमें कोई ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें हम एक्स की वैल्यू डालें और वाई मिले, यहाँ पर तो वाई की वैल्यू डालने पर एक्स मिलेगा, है ना भाई। तो हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं अब एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे हम आगे प्रोसीड कर पाए, है ना। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये मैं चुनता हूँ, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में भी दो टाइप के होंगे, कैसे एक ग्राफ होगा जिसमें हमारा ए जो होगा ग्रेटर देन वन होगा, जैसे अभी एक्सपोनेंशियल में हमारी लिमिट्स थी वैसे इसमें, और एक ग्राफ कैसा होगा जिसमें ए की पावर, ए मतलब कैसा होगा, फ्रैक्शन में होगा। तो इन दोनों को देखते हैं कैसे बनते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो जरा, एक स्टेटमेंट हमको याद करनी है, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस आर मिरर इमेज ऑफ एक्सपो फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब वाई इज इक्वल टू एक्स वाला भाई हम बता चुके हैं कैसे बनती है, चलो इसमें बना देते हैं बड़ा सा, ठीक है, वन टू थ्री हो जाए कुछ ऐसी, वन टू थ्री यहाँ पे कुछ ऐसी, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री, ठीक है। ये हमारी एक एक्सेस बन चुकी है दो। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या है भाई, कि अगर x में जीरो डालूंगा तो y भी जीरो मिलेगा, x में वन डालूंगा तो y भी वन मिलेगा, मतलब पॉइंट्स क्या हो गए, जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, है ना, सेम टू सेम। तो ऐसे जब मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ, देखो वन कॉमा वन, जीरो कॉमा जीरो, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, ये सब लाइन बनती चली जाती है। तो ये हमारी लाइन होगी कुछ ऐसी, इसको हम बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ओके। अब क्या करना है हमें, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना है और फिर उसकी मिरर इमेज को हम दिखाएंगे कि लॉग कैसे होता है, ओके। तो भाई मिरर इमेज पहले हमें बनाना पड़ेगा एक्सपो फंक्शन। अब कौन सा वाला टाइप बनाए पहले, तो पहले एक काम करते हैं, पहले वो वाला टाइप बना लेते हैं, ये वाला जो ऐसे बनता है, ठीक है। ये कौन सा वाला टाइप है, ये है वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वाला टाइप, है ना। इसमें तो क्लियर है सब कुछ यार, दिक्कत तो नहीं है अभी तक, बोलो बोलो अगर है तो, ठीक है, बढ़ जाए आगे। तो अब आपने अगर ये देख लिया है तो एक सेकेंड, हाँ यस सर, ओके यस सर, सही है, ठीक है। तो इतना हमने बना लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। अब ये देखो जरा, ये मेरे पास छोटा सा, मैं बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ, मेरी शक्ल मत झांकना, ठीक है। ये है हमारे पास एक, आई होप आपको दिखे, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको दिखे। ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स पर, देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस y इज इक्वल टू एक्स पर एक मिरर रखना है, ठीक है। जब मैं y इज इक्वल टू एक्स पर एक मिरर रखूंगा ना, तो सेम टू सेम फंक्शन हमारा ये बन के दिखाएगा, वो भी उल्टा। कैसे बनाना है हमको, उल्टा, ठीक है। तो देखो जरा कैसे दिखेगा ये, आई होप आपको दिखे, क्या आपको ये दिख रहा है,
ये ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको एक लाइन चमक रही होगी वीडियो में, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ देखने की। ठीक है, किस किस को दिख रहा है भाई, सही से बताओ, चलो सच्ची सच्ची। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करके बना के दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे ही करके ये वाली लाइन बना देनी है। ठीक है, आई होप इतना दिख गया होगा, अब मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये लाइन आपने देख ली कैसे बन रही है, सेम टू सेम ऐसे ही पॉइंट से पास होगी ये भी, है ना। और ये लाइन हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, यस सर यस सर, अरे वाह शाबाश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन भी है जिसमें हम x की वैल्यू डालेंगे और y मिल जाएगा। तो क्या समझा हमने इससे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो मिरर इमेज होती है वो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा, अब डिफिकल्ट पता है ये वाला नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी जो है ना वो सेकंड वाला ग्राफ है, जिसमें हमारा जो लॉग होता है वो सॉरी ए जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। इसमें बहुत बड़ा एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है हमारा कि ए जो है वो हमेशा वन से बड़ा रहेगा। ओके, ए हमेशा वन से बड़ा रहेगा, तो इस वजह से हमने ये वाला ग्राफ बना दिया। अब सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को भी ऐसे करके देखेंगे जैसे हमने इसको देखा। तो मैं बना लेता हूं उसमें, ठीक है, ये बन गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कैसी जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन आ गई, क्योंकि इस पे क्या बैठेगा हमारा मिरर बैठेगा। ठीक है, इस पे हम नहीं बैठेंगे। तो अब ये आ गया 0.1 पॉइंट, और इतनी ही दूरी पर लगभग 1.0 पॉइंट, है ना। तो अब मैंने कौन सा वाला ग्राफ बनाना है, मुझे बनाना है एक्सपोनेंशियल का ऐसा वाला ग्राफ जिसमें क्या होगा, इस एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ में एक सेकेंड, ओके तो इस वाले एक्सपोनेंशियल ग्राफ में क्या होगा, ये भी y इज इक्वल टू a की पावर x है, बट एजम्पशन क्या है हमारा, एजम्पशन क्या है हमारा, एजम्पशन ये है कि हमारा जो a है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये एजम्पशन है हमारा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इसकी मिरर इमेज देखनी है। तो चलो फिर से उठा लेते हैं भाई अपना छोटा वाला ये 5 रुपए वाला मिरर। ठीक है, तो इसकी देखो मिरर इमेज बनानी है मुझे। ठीक है, ध्यान से जब मैं ये वाली लाइन देखूंगा, यार ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, जब मैं ये वाली लाइन बनाऊंगा और यहां मैं मिरर रखूंगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। ओके, तो पहले हम इतना टुकड़ा बनाएंगे, उसके बाद मिरर को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और फिर ये वाले टुकड़े की मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इस वाले की बनाते हैं, इसकी अब देखो जरा ट्राई करना आपको दिखे, पेन छोड़ देते हैं, ये मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और ये आ गई आपकी लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, यही बनेगी, सेम टू सेम यही बनेगी जो आपको दिख रही है। आपको एक कर्विकल लाइन दिख रही होगी, ठीक है, तो हमें यही लाइन बनानी है, तो इस वाले लाइन की जो मिरर इमेज है वो यही है। ओके, अब मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये बन गई हमारी, अरे ऐसी थी ना, हाँ ऐसी थी, ऐसी थी, ठीक है, ऐसी बनेगी। ओके, तो ये बन गई हमारी पहली वाली लाइन, बड़ी गंदी बन गई। ओके, सेकंड वाली का मिरर इमेज देखते हैं, इस वाली लाइन का। ओके, इस वाली का जब मिरर इमेज देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, दिखाने का। देखो, ठीक है, अभी जो लंबी वाली लाइन है इसको देखना, ठीक है, इसको, ये जो दिख रही है, जो एक्सिस की साइड जा रही है हमारी, है ना, जो वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, वो है वो लाइन जिसको हमें देखना है। ठीक है, ये वाली लाइन का मिरर इमेज, वो ऊपर वाली लाइन जो एक्सिस में दिख रही है। ओके, आप समझ गए होंगे अब कैसे निकालनी है इसको, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला लॉग। ठीक है, ये भी हमारा वही है, वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, बट लिमिटेशन क्या है हमारी, लिमिटेशन वही है कि भाई जो हमारा लॉग है उसमें बेस जो है वो हमारा फ्रैक्शन में। आई होप समझ में आया होगा, चलो बताओ, किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ भाई, बोलो बोलो, एक सिप चाय की मार लेता हूँ जल्दी से, आ गया, अरे वाह, अरे थैंक यू थैंक यू, ये सर क्लियर, बहुत सही। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमने दो ग्राफ देख लिए। ठीक है, आप ध्यान रखना कि ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है हमारी लॉक की जो हमने बनाई है। ठीक है, मैं ब्लू पेन लेके आया हूँ, बहुत खरीद के मैं ब्लू की यूज नहीं करता हूँ। ये वाला जो फंक्शन है ये है हमारा लॉक का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना,
सेम पॉइंट से कट कर रहे हैं सब। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? ओके यस सर, गुड़िया, वेरी गुड। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला पॉइंट क्या है? मतलब मेरा इतना परफेक्ट नहीं बना है एक्चुअल में, जब परफेक्ट आप बनाओगे ना तो ये छोड़ो यार, मेरे को खुद नहीं मालूम कौन सा पॉइंट है, निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। वैसे आई थिंक ये 1.1 होने वाला है, बट छोड़ते हैं। अच्छा तो हमने अब दो ग्राफ सीख लिए। ठीक है, पहला ग्राफ कैसा था भाई? पहला ग्राफ था हमारा कुछ कैसे बना था? हाँ ऐसे बना था शायद ये। ठीक है, ये था वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ओके, जिसमें हमने ए जो था वो ग्रेटर देन 1 रखा था। ओके दूसरा वाला ग्राफ कौन सा था? वो ये था, ये ऐसा। ठीक है, और ये क्या है? ये भी वही पॉइंट है जो सेम पॉइंट है, 1.0, 1.0, और ये भी हमारा कैसा है? वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, बट 0 से बीच में है 1 के ए। ओके तो ये दो ग्राफ हो गए हमारे। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है भाई कि हमें सिर्फ इतना ही ग्राफ पढ़ाया अभी अभी आपने, है ना? बैटरी सेवर, एक सेकंड, जरा दोस्त को गाली बकलूं। ओके आई एम बैक। ठीक है, तो अब हम बता रहे थे कि हमें दो ग्राफ बनाया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हमारी शिफ्टिंग भी तो करनी है इसकी, है ना? कर्व बना लिए, कर्व की शिफ्टिंग नहीं हुई अभी तक। ओके तो कर्व की शिफ्टिंग के लिए हमने क्या पढ़ा है भाई? अभी अभी हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, चार रूल्स। उन रूल्स को एक बार अच्छे से देख लो दोबारा। ये चार रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप कोई और वेरिएबल का कैसे बनाओगे, वो आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लो कि जब भी कोई कांस्टेंट, जैसे कि भाई वाई इज इक्वल टू ए की ई की पावर एक्स में माइनस ए या माइनस बी जैसे, या प्लस ए प्लस बी जैसे, -1 -2 -1 +2, ऐसा अगर कुछ आ जाता है तो उनके लिए आप ये चार रूल यूज कर सकते हो। नॉर्मल ग्राफ बनाओ और फिर शिफ्ट कर दो। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ बना के शिफ्ट कर दो। तो अभी हम एज्यूम करके चल देंगे लॉग में भी क्या, अबे ये वाला पेपर क्या, हमारे पास इनिशियली क्या था? इनिशियली देखो क्या था, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, पहले इस वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले की आप खुद ही समझ जाना, ओके ना, शिफ्टिंग कैसे हो रही है, सेम टू सेम होगी। तो भाई y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स की अगर बात करूं, जिसमें a हमारा ग्रेटर देन 1 है, फिर बता रहा हूँ अब क्या हो रहा है, क्या बताना था, एक सेकेंड। हाँ तो यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यूज क्या थी? इनिशियल वैल्यू देखो जरा, x की कितनी है इसमें? 1 है ना, 1.0 से पास हो रहा है। इनिशियल वैल्यू x की 1 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज याद रखना हमेशा, ये दो इनिशियल वैल्यूज हैं। अब क्या हो अगर मेरे पास यहाँ पर वाई के साथ छेड़खानी हो जाए, यहाँ माइनस बी आ जाए? माइनस बी था तो मैंने बताया गया था शिफ्ट होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और कितनी वैल्यू से होगा? पहले वैल्यू थी 0, तो इसमें बी वैल्यू ऐड कर दो, जस्ट बिकॉज ये डिस्टेंस की बात हो रही है, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सिस नहीं देख रहे हैं हम, ना कोई पॉइंट देख रहे हैं, बस हम डिस्टेंस देख रहे हैं, कितना ऐड और कितना सब्ट्रैक्ट होना है। तो यहाँ पर बी वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे और डाउनवर्ड साइड शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को। ओके अच्छा, और अगर मान लो इसमें मैं यहाँ पर x माइनस ए कर देता हूँ, एंगल में, है ना, एंगल में वेरिएशन होगा इसके x के साथ। तो क्या होगा हमारे पास? हमारा ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा विद वैल्यू व्हाट, पहले कितना था 1, तो अब कितना हो जाएगा? प्लस ए। ठीक है, 1 तो था ही, अब आप प्लस ए टाइम्स और इसमें एडिशन कर लेना, जो भी हमारा ऐड होगा वो यहाँ से हो जाएगा, और फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करके बताता हूँ अच्छे से, राइट हैंड साइड शिफ्ट। ओके तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, फिर से लिखना पड़ रहा है ये, और a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, हमारा पहला ग्राफ था ये, और हमने शिफ्ट किया था ऐसे ये, और ये पॉइंट था 1.0, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें शिफ्टिंग करनी है, तो हमने ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दिया, जो कि हो गया लॉग एंगल में एक्स माइनस कैपिटल ए और बाहर एंगल के माइनस कैपिटल बी। ओके तो अब क्या होगा, मैंने बताया कि जब माइनस ए है, नेगेटिव ए है, तो जो हमारा ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, और क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 1 + a, तो यहाँ पर फिर से क्या करो, ए टाइम्स इसको बढ़ा दो। ठीक है, और पॉइंट कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपका ग्राफ आ जाएगा।
अच्छा अब अगर माइनस बी बीस में हो गया, और ये देखो ये लॉग का वैल्यू अलग है और ये कांस्टेंट अलग है, ठीक है, ये कांस्टेंट अलग है जस्ट बिकॉज इसीलिए ही ये वाई के साथ वेरी कर रहा है, ओके ये वाई को चेंज करवाता है क्योंकि ये एक्स के साथ नहीं है, ये वाला एक्स के साथ है इसलिए एक्स को वेरी कराता है। तो ये बी हो गया, मैंने बताया था कि बी जब नेगेटिव में है तो हमारा लेफ्ट क्या कहते हैं नीचे डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा, कितनी वैल्यू से, बी वैल्यू से, क्यों, क्योंकि पहले वाई की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, अब उसमें कितना ऐड करा दो, बी ऐड करा दो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गई, ठीक है। तो अब बी वैल्यू से इसको हम नीचे शिफ्ट करा देंगे, तो इसको और अच्छे से बना लेता हूँ, ये था वन, ये हो गया ए, और यहाँ पर बनना चाहिए था, बट अब बी वैल्यू से ये शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया बी वैल्यू और पॉइंट बन गया यहाँ पर, इस पॉइंट को बोलेंगे, मतलब देखो वन तो था ही और ये हमने ए ऐड कराया था इसमें, और ये हो गया वन प्लस ए कॉमा बी, ठीक है, और इस पॉइंट से हमारा पूरा ग्राफ सेम टू सेम वैसे बन जाएगा जैसे अभी तक बन रहा। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ये वन प्लस ए होगा वैसे तो, बट आपको फिर भी अगर निकालने तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के हिसाब से आप निकाल सकते हो, जब भी एक्स एक्सिस पर निकालना होगा तो वाई को जीरो रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पर कट कर रहा हूँ मान लो कोई ग्राफ, ठीक है, और आपको निकालना है यहाँ पर, तो क्या करोगे, एक्स को जीरो पुट कर दोगे पूरी इक्वेशन में, ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब बताओ ग्राफ की शिफ्टिंग समझ में आ गई, लॉग समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा यार, प्लीज कोई भी डिफिकल्टी है तो आप बता दो अभी, मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट। गुड़िया इज दैट क्लियर, आरती आपको समझ में आया, ओके यस सर, ग्रेट, शाबाश, सोनम क्लियर तो हो गई, ज्ञानी बाबा है सोनम, ये मुझसे ज्यादा अच्छा जानती है पता है ये सब चीजें, यस सर, अच्छा ज्ञानी बाबा भी सर बोला होगा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज पहले भी लिखवा रखी हैं, ठीक है, बट और देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि और भी मतलब होती हैं, फिर से मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, अब लिखवा रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारी होती हैं वैसे तो, बट मेनली करवाएंगे थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। ओके तो देखो इसमें हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा ए है ए ग्रेटर देन जीरो मान रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेटर देन हाँ जीरो मान रहे हैं और वन के इक्वल नहीं होगा। देखो मतलब क्या हुआ इस चीज का, ध्यान से सुनो, एक गाना बज रहा है क्या जी, तो कॉल आ रहा भाई, पापा दीदी ठीक है कट गया, ओके तो इन दोनों चीजों का मतलब समझते हैं जरा। पहले मैंने अभी भी बताया था कि हमारे पास दो ही वैल्यू है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, सॉरी ग्रेटर देन वन होगा, या फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, है ना। तो देखो जरा इस ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों कंडीशन में यही तो चीज लिखी है मिला के बस थोड़ी सी, कि भाई हमारा जो ए है वो वन से हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब वन नहीं हो सकता, है ना, और फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि जीरो से वन के बीच में हो सकता है, ओके तो ये वैल्यू उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है बस, ओके तो ये बता रहे हैं कि सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज है जो मैं लिखने वाला हूँ वो सारी इन सब वैल्यूज के लिए वैलिड है, टोटल दोनों ग्राफ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, कि मैंने बता रखा है पहले भी लॉग बेस ए है, और अगर एम प्लस लॉग बेस ए एन लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस एम इंटू एन, ओके ये तो पहली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक वाली, ऐसे ही सेम माइनस के साथ होगा, माइनस लिखा हुआ मान लो बीच में तो लॉग ए एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा लॉग बेस ए के साथ एम अपॉन एन। देखो अगर बेस ई भी होता है तब भी चलेगा, सारी प्रॉपर्टी सेमली वर्क करेंगी, ओके क्योंकि आपने बता दिया कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट वन। अच्छा अब लॉग ए एम की पावर एन जैसे मैंने अभी बताया था, तो ये क्या हो जाएगा एन लॉग ए एम, ओके ये पावर आपकी बाहर आ जाती है। अगर लॉग एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो टू टाइम्स लॉग एक्स, ओके देन फिर क्या हो गया, फिर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है लॉग, है ना, जैसे मान लो इस बेस की पावर चढ़ा दी, कुछ भी पावर हो सकती है इसकी, है ना, क्या लिख सकते हैं मान लो इसकी पावर कोई क्यू है ना, और यहाँ पे मेरा कोई भी एंगल है एम, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन क्यू लॉग बेस ए एम, ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके और अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं लॉग, अगर मान लो इसमें लिखा हुआ है ए पी, मतलब ये बेस है और ये कुछ भी हमारा एंगल है, तो मैंने बताया था इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से लॉग पी ए, मतलब क्या हुआ
इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। मान लो किसी फॉर्मूले में ऐसा हो गया कि भाई मुझे ये वाला चाहिए था यार, काश ये वाला ऊपर होता, तो क्या करो, वन अपॉन करके उसको चेंज कर दो, इंटरचेंज होंगे अभी, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और बताई थी ऐसे ही खेलने के साथ, जैसे अगर मान लो इसको हमें किसी और वैल्यू में चेंज करना है ए, और यहाँ पे लिख देते हैं पी, और इधर लिख देते हैं हम ऐसे करते हैं, हाँ ए की पावर, ए की पावर ऐसे बी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक अगला बेस हो गया, तो हमारे को इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग बेस ए ए, और अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए हम क्या करेंगे उसको सिर्फ सिर्फ एम ही मानेंगे, मतलब क्या हुआ कि ये चीज पूरी गायब हो जाती है और हम पे क्या बचता है, सिर्फ एम बचता है, ओके। अच्छा नेक्स्ट कोई प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाँ ये देखो इन बेस पे है कि हमारी जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी और जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो इनके लिए हमारी दो दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक सेकंड रुको, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो लॉग बेस ए पी इज ग्रेटर देन लॉग बेस ए, सेम बेस है क्यू, अगर ये इससे बड़ा है और बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हम ये कंक्लूड कर लेंगे देन, ठीक है, देन पी इज ग्रेटर देन क्यू, ओके। बट इस चीज में ये चीज उल्टी होती है, जैसे क्योंकि भाई ए हमारा 0 से 1 के बीच में है, ओके, और हमें क्या चाहिए, हमने बताया कि भाई लॉग जो है ए बेस के साथ पी बड़ा है लॉग बेस ए के साथ क्यू से, अगर ये बड़ा है इससे तो हम इसमें क्या बताएंगे, इसमें कंक्लूजन अलग है, इसमें क्यू बड़ा होगा पी से, ठीक है, क्यों बड़ा होगा इसमें पी से। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और थी इसमें, जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे लॉग जो है बेस ए है और पी है, और ये बड़ा है हमारी कोई भी एक नंबर से, है ना, कोई भी एक नंबर से अगर ये बड़ा है तो हम ये कह देते हैं देन देन पी इज ग्रेटर देन ए की पावर एम। मतलब सिंपल कुछ नहीं है इसमें, आप बोथ साइड ए ले लेते हो, ठीक है, बोथ साइड बेस में ए ले लेते हो, और फिर देखो ये ए लॉग ए, जैसे मैंने इस वाली प्रॉपर्टी में बताया, ये गायब हो जाता है और बचता है सिर्फ पी, तो पी जो है वो बड़ा हो गया ए की पावर एम से, ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा और इसमें क्या बताओगे, इसमें जरा कंक्लूजन थोड़ा सा अलग है, सेम प्रॉपर्टी के साथ लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पी ग्रेटर देन एम लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, हमारा जो 0 से लेके पी ए की पावर एम तक वैरी करेगा, ये चीज, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा टिपिकल था, ठीक है, बट यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को नोट करना तो वो कर सकता है, ओके। हाँ ये आ गई आपकी सारी प्रॉपर्टी इसमें, ठीक है, फटाफट मैं 5 सेकंड 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, और उसके बाद बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ, ठीक है, बड़ा मस्त फंक्शन है, ओके। नोट हो गया सर, अरे वाह बहुत सही, कर लीजिएगा कर लीजिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वीडियो का ब्लर है क्या, वीडियो ब्लर हो गई है, हाँ आ गई सही, ठीक है। देखो भाई अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसको समझ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत प्यारे एग्जांपल समझाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं वैसे। आप जरा एक ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई भी एक नंबर जब हम लेते हैं, नंबर कोई भी नंबर, यार नंबर पूरे लिख लेते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसे इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ओके, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। किसी भी नंबर के सिर्फ दो पार्ट होते हैं, पहला होता है इंटीग्रल पार्ट, दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब इनका यूज क्या है, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद यूज देखेंगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो मैंने 1.23 लिख दिया, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट आई बी क्या होगा, वो 1, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमारा एफ पी, दोनों सेम लग रहे हैं, एफ पी वो होता है 0.23, इतना तो क्लियर है, बहुत सिंपल है ये चीज, ठीक है। चलो मुझे फटाफट बताओ कि भाई इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट बताना, ठीक है, बहुत तेजी से, ठीक
शाबाश, कम ऑन यार, इतना स्लो पढ़ाता हूँ क्या मैं? इंटीग्रल पार्ट लिखो चलो सब लोग, और जो माइक ऑन कर सकते हैं माइक ऑन करके फटाक से जवाब दें। कम ऑन, शर्मी लो भाई, समझारो तुम यार। क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट समझ में नहीं आया? आया। ओके अनु टू, ओके व्हाट हैपन आरती, आर यू देयर? गुड डे मैम। ओके ग्रेट आरती, यू आर लेफ्ट? यस सर। ओके ठीक है चलेगा। ठीक है तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया 2, और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया यार, 0.23। हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि मुझे नंबर बताओ पहले कैसे करना चाहिए। अगर मान लो ये जो हमारे नंबर है ना भाई, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ, व्हाट कैन बी द नंबर व्हेन इंटीग्रल पार्ट इज 3। कम ऑन, अब आप लोगों का काम है मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिस पे इंटीग्रल पार्ट 3 आता हो। आप लोगों के लिए सवाल है भाई, चलो सॉल्व करो। ओके 3.2, हाँ करेक्ट है बिल्कुल। और कोई आंसर? बिकॉज इट कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके और उसी से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अच्छे से पता चलेगा। चलो भाई बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ। ओके गुड़िया 3.1 एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। ठीक है मैं लिख लेता हूँ 3.1, 3.1 ये सोनम का है, ये गुड़िया जी का है। ओके आगे अनु, आरती, कम ऑन यार जल्दी जल्दी करा करो। शाबाश 3.44, ग्रेट। ठीक है इनको भी समझ में आ रहा है। ठीक है ओके नेक्स्ट वन आरती, रेस्पॉन्ड भाई। मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें इंटीग्रल पार्ट 3 आता हो। ठीक है अब सोचो, ऐसा एक नंबर जिसमें इंटीग्रल पार्ट 3 है, यानी कि 3.1, 3.4, 3.0001 और से 3 से लेके 4 तक जितने भी फ्रैक्शनल वाले नंबर हमारे बनेंगे, 3.001, 3.005, सब में हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। ओके आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू है आरती। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आई होप बस समझ में आ रहा हो आपको एटलीस्ट, है ना? आप बोल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास आरती का मैं लिख देता हूँ 3.65। ओके तो ये आ गया इनका नंबर। अब देखो इसे समझाने वाली चीज क्या है, इसे समझाने वाली चीज ये है कि भाई जब इंटीग्रल पार्ट 3 था, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है ना भाई? प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, देखने वाली चीज ये है कि नंबर जो है हमारा एक्स, मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, ये नंबर नंबर बिलोंग्स टू, ये इसका साइन, ये कैसा साइन होता है, इसको बोलते हैं एप्साइलन, एप्साइलन, ठीक है, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है जैसे कि आई बिलोंग्स टू माई फैमिली, ओके ऐसे करके, तो ये वैसे ही है। तो एप्साइलन ये बताता है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं 3.4 से, है ना? 3.4 का क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो देखो इसको ऐसे करेंगे 3.4, ये वाला बड़ा सा जीरो जो भी काला वाला, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे बिना भरा हुआ जीरो। क्या मतलब है इसका कि 3 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपको मालूम है वैल्यू कितनी है, 3.1, 3.2, 3.4 और 3 भी हो सकती है, जिसका इंटीग्रल पार्ट 3 हो, 3 भी हो सकता है वो नंबर स्वयं खुद। ठीक है तो ये एक ऐसा नंबर है, ये सारे एक ऐसे नंबर्स हैं और ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ नंबर्स जो है हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके तो ये जाएंगे कब तक, बस 4 तक ही जा पाएंगे, और 4 को टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 3.99999 अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि 3.999 में 3 इंटीग्रल वैल्यू है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, और हमको यही चाहिए था, इंटीग्रल पार्ट चाहिए था 3, तो इसलिए 4 को ये टच नहीं कर रहा, और टच नहीं कर रहा इस वजह से ये खाली है गोला। ठीक है ये मैं ऐसे ही उलझल नहीं बना रहा हूँ, बुक्स में भी ऐसे ही मिलता है। ठीक है और ये क्या रहेगा, डार्क रहेगा। डार्क क्यों रहेगा, बिकॉज ये वैल्यू इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड के लिए ये वाला साइन, नॉट इंक्लूडेड के लिए ये वाला साइन, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज हमारी इंटीग्रल पार्ट में आती हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ूं? ठीक है ओके ग्रेट, ठीक है यस सर, अरे वाह शाबाश। ठीक है तो अब क्या होता, ये समझ में आ गया हमको, कुड़िया होंगी, ग्रेट। ठीक है अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर इफ एक्स इज अ नंबर
ओके, इफ एक्स इज अ नंबर हैविंग हैविंग इंटीग्रल पार्ट एंड एंड फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब एक एक्स एक्स एक ऐसा नंबर है जिसके पास इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो इस इंटीग्रल पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इससे, मतलब दिस ब्रैकेट ऑफ एक्स, मतलब इसका क्या हुआ, ये बताता है, ये ब्रैकेट ये वाला बताता है कि दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो ये है। अगर इस ब्रैकेट के जो हम सॉल्व करेंगे या बाहर आएगा इस ब्रैकेट से जो भी वैल्यू, वो इस वाले एक्स का इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, मैं अभी एग्जांपल के बताऊंगा। और यहां पर एक ब्रैकेट आता है ऐसा, और इसको हम बोलते हैं दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, ये चीज हो गई। अच्छा, तो इसका रिप्रिंट कैसे करेंगे, जैसे मान लो टू पॉइंट ये है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1.23, ठीक है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट में भी यही आएगा 1.23, ठीक है, क्योंकि देखो वैल्यूज तो दोनों में एक्स्ट्रा डालनी है, बस जो ब्रैकेट का जो फर्क है, ये वाला ब्रैकेट क्या बताएगा, इंटीग्रल पार्ट, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1, और ये क्या बताएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.3 पॉइंट के बाद, तो ये पूरा कितना हो गया 1.23, ठीक, और ये दोनों बराबर हो गए, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये सही बता रहे हैं हम, ठीक है, हम सही पढ़ा रहे हैं, हम गलत नहीं पढ़ा रहे, तो ये चीज आ गई। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि हम इसको कैसे बोलते हैं। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं, पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सिर्फ इसके बारे में बात करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो सिर्फ इसके बारे में बात करता है, तो ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बेसिक लेवल थी। और ये जो है ये हम बताएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बनता है। तो अब देखो, अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, GIF। और उसको यूज कैसे करते हैं, अब मैंने बता दिया कि भाई जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट ही आपको दे देगा, जैसे कि अब मैं वैल्यूज रख के दिखाता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो y की वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है, एक छोटी सी टेबल मैंने बताया था, पुट एंड गेट वैल्यू मेथड, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x का वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो y का वैल्यू भी 1 ही आएगा, क्लियर है, बट अगर मैं x का वैल्यू 1.23 डालता हूं तो मेरे को सिर्फ 1 मिलेगा, सही बात है, अगर मैं 2.45 डालता हूं तो मुझे सिर्फ 2 मिलेगा। कम ऑन, टेल मी नाउ के -1 अगर मैं डालता हूं, -1, ठीक है, तो मुझे इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं या इंटीग्रल की बात करूं, -1, ओके, गुडिया, वेरी गुड यार, शाबाश, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, बिल्कुल सही है। अब एक और थोड़ा सा और टिपिकल एग्जाम्पल, -1.5 अगर मैं डाल दूं तो मुझे बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, अब फंसे तुम लोग, चलो बताओ भाई, -1.5 हर किसी को बताना है, देखो, ठीक है, -1, -1, हाँ, और कोई समझदार इंसान यहाँ पे, कम ऑन, फंस गए बेटा, आरती, आर यू देयर, प्लीज आंसर लिखो यार इसका, ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर लिखो, गलत होता है फिर भी लिखो, मेरा तो बहुत गलत हुआ है, ठीक है, गलती तो सीखना है, ठीक है, कम ऑन, 2, ओहो, समझदार इंसान, -2, है ना, हाँ लगा ही था, ठीक है, ये लड़की समझदार है, चलो और बताओ, और कोई, आरती, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अनेबल टू ओपन योर माइक, ठीक है, कम ऑन यार, ट्राई करो इसका आंसर देने का भाई, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, -1, ओके, ग्रेट, चलो कुछ तो बोला आपने, वेरी गुड, ठीक है, देखो जरा इस चीज को अच्छे से समझो, मैंने बताया कि जो वैल्यू है यहाँ पे, है ना, जो हमारा नंबर होता है, ऐसे मान के चलना, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है ना, और ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, मैंने बताया कि जब मैं 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, यानी कि 1 से 2 के बीच में मुझे हमेशा 1 मिलेगा, है ना, कोई भी वैल्यू x की डालूंगा तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा, अच्छा जी, ठीक है, अब मान लो मैंने 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले ली तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं अब, ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो मैं -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लेता हूं, अब आप जरा इस चीज को ध्यान से समझो, मैंने बताया था कि मैं छोटे से, यानी कि 1 से 2 की साइड जा रहा हूं, है ना भाई, मैं 1 से 2 की साइड जा रहा हूं, अब इसमें बड़ा वाला कौन सा है भाई, 2 है इसमें बड़ा, बिग, पर ये क्या है, 1 क्या है, स्मॉल है, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ -1 से -2 की साइड जाते हुए, यानी कि इसके बीच में क्या आ गया, -1.5, है ना,
तो मैं देखो जरा किसकी तरफ जा रहा हूँ, मुझे कौन बताएगा कि -1 और -2 में कौन बड़ा है? आंसर आया -1, करेक्ट। ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की, तो बड़ा वाला कौन सा होता है? ये होता है ना। और इसको भी जरा ध्यान से समझो, हमेशा जो आपका फंक्शन चलेगा ना, इसको ऐसे याद करो कि हमेशा जो आपका फंक्शन चलेगा वो लेफ्ट टू राइट चलेगा, है ना। अगर देखो क्या कहते हैं, इसमें जो -1 के और 1, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू है तो हमें -1 मिलेगा। ये ऐसे फंक्शन लेफ्ट से राइट चल रहा है, बट वैल्यू कैसी मिलेगी? हमेशा बैकवर्ड वाली, पीछे वाली, लेफ्ट वाली। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? यहाँ पर मैं बना देके दिखा देता हूँ, ये आ गया हमारे पास -1। -1 से 0 के बीच में -1 मिलेगा। ओके, ऐसे ही -2 और -1 के बीच में क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, बड़ी वाली वैल्यू, मतलब छोटी वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। इसमें भी तो हमें छोटी वाली वैल्यू मिलती है, 1 और 2 के बीच में छोटी वाली वैल्यू। ऐसे ही -1 और -2 में कौन छोटा है? -2 छोटा है ना। बड़ी वैल्यूज कैसे जाती हैं? इधर से इधर जाती हैं, तो बड़ा कौन हो गया? -1 बड़ा हो गया। तो आप क्या करोगे, -2 वाली वैल्यू पुट करोगे, मतलब मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -3 और -2 के बीच में भी हमें -3 वाली वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये छोटा है भाई, है ना। नेगेटिव नंबर्स में नेगेटिव वाले नंबर्स छोटे होते हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूँ -2। ठीक है, ऐसे ही चलो। अब मैं -2.3 की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। ओके एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, क्लियर, ओके ग्रेट। ठीक है अनु, समझ में आया? यहाँ पर क्या हो रहा है, हम छोटे से बड़े वाले के बीच में जब जाते हैं, यस सर, ओके, है ना, जब छोटे से बड़े वाले के बीच में जाते हैं तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू मिलती है। और नेगेटिव नंबर्स में इसका उल्टा होता है, जो दिखता बड़ा है वो होता छोटा है। तो -1 और -2 के बीच में क्या आएगा? -2 आएगा। -2 -3 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे समझो कि जब पॉजिटिव नंबर्स हों तो भाई मतलब बड़ा वाला नंबर देख लेना, हमेशा बड़ा वाला ही देखना है। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तब भी ये देख लेना कि डिजिट कौन सी बड़ी है। ठीक है ना, नंबर तो आपको पता ही है। ओके, आई होप यार इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा समझा दिया है। अब चलो फाइनली इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअल में ये ग्राफ यही है, ठीक है, जो मैंने नीचे बनाया है, बट फिर भी अब बना देते हैं दोबारा से और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन की डोमेन्स लिखना जरूरी होता है। ठीक है, कि वो मतलब कैसी वैल्यू पे कैसी हमें फंक्शन मिलता है। जैसे कि फंक्शन जो है हमारा, हमारा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, बट हम सारी वैल्यूज तो लिख नहीं सकते, आई एम सॉरी। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि हमारा फंक्शन ये कहता है कि वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो कुछ ऐसा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमारे पास वैल्यू कैसी होंगी? अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो एक्स कैसा बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग करेगा जब 0 से 1 के बीच में, है ना, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ एक बार फिर से, जब भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी तो हमेशा 0 मिलेगा। अगर हमारे पास 1 से 2 के बीच में वैल्यू आएगी तो हमको हमेशा 1 मिलेगा, है ना। ऐसे ही जब 2 से 3 के बीच में वैल्यू आएगी तो हमको हमेशा 2 मिलेगा। 3 कब मिलेगा? जब 3 से 4 के बीच में वैल्यू होंगे। ओके, ऐसे ही हम नेगेटिव साइड आते हैं जरा। नेगेटिव साइड यानी कि हमने 0 से 1 कर लिया था, तो ये आ गया -1 से जब मैं 0 की तरफ जाऊंगा तो क्या मिलेगा? मिलेगा -1, है ना। ब्लर हो गई वीडियो क्या? ठीक है, ऐसे ही जब मैं -2 से -1 की साइड जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? -2 मिलता है। ओके, ये सारी वैल्यूज देखो आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये सारी वैल्यूज कैसे आई हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आई होप मैंने इतना समझाया है कि आप समझ जाओगे। ठीक है, ये हो गया, अब बस फंक्शन बनाना रह गया है। अभी तो बहुत सिंपल है, अब आपको बस वैल्यूज प्लॉट करनी है। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 -1 -2 -3 -4। ओके चलो प्लॉट करते हैं वैल्यूज। मैंने बताया पहला पॉइंट देखते हैं जरा यहाँ पे, 0 से 1 के बीच में जब वैल्यू होंगी तो मुझे 0 मिलेगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो मुझे क्या मिलेगा? 0। तो इसको कलरफुल कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, ये क्लोज इंटरवल है। ओके, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ओके, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा, ये, और ये लाइन बना देते हैं फटाफट। ये लाइन बन गई कि भाई इसके बीच वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, ऐसा। अच्छा, अब अगर 1 से 2 के बीच में बात करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? वाई का वैल्यू, है ना। अभी तो वाई का वैल्यू 0 था, तो 0 से
वन से टू के बीच में अगर मैं बात करूं, वन से टू के बीच में, तो मुझे वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, वन। वाई का वैल्यू वन कितना है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये सारा है, ठीक है। तो ये आ गया इंक्लूडेड, हमेशा वन मिलेगा। कब मिलेगा वन, जब वन से टू के बीच में वैल्यू होंगी और टू इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, टू इंक्लूडेड नहीं है। सेम टू सेम ऐसा आप ऊपर और चला सकते हो, ठीक है। ये आ गया, ऐसे ही और भी ऊपर आप फोर के साथ भी यही कर सकते हो, ये आ गया, ओके। सेम टू सेम नीचे जाएगा, नीचे भी यही होगा कि भाई जब माइनस वन और जीरो के बीच में वैल्यू है, माइनस वन और जीरो के बीच में वैल्यू है, तो माइनस वन मिल रहा है, मतलब माइनस वन क्या होगा, कलर्ड होगा, और ये क्या होगा भाई, ये खाली होगा, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम माइनस टू माइनस वन के बीच में माइनस टू मिलेगा, तो ये आ गया, ओके। और मैं आपको बताऊँ, ये मेरे बोर्ड में आया था, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेफिनेशन पूछी गई थी, ग्राफ बनाने को बोला था, दो नंबर ऑप्शन था, और अफसोस मैं करके नहीं आ पाया, ठीक है। चलो बताओ किसी को, अगर ग्राफ ग्राफ क्लियर नहीं है या कोई पॉइंट मिसिंग है जो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे माइनस आ रहे हैं भाई, कैसे बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो बताओ, मुझे बता देता हूँ, ठीक है, अभी बताओ, चलो फटाफट। दो मैसेज, क्लियर सर, मेरा भी आज ही क्लियर हुआ। अच्छा चलो यार, फायदा तो हो रहा है किसी को। दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ ये तो है, इंटरेस्टिंग तो है। अरे अभी वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला आएगा, वो और तगड़ा है। और अगर सिग्नम फंक्शन एक और है जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार इंटरेस्टिंग है ये चीज़ है। देखो मैं सही बताऊँ तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इम्पॉर्टेंट, ओके, ये कभी भी पूछा जा सकता है, बट सही बताऊँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा, ये तो बस जस्ट नॉलेज के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, किसी ने आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे, ठीक है। और सिग्नम फंक्शन एस जी एन से डिनोट होता है, अरे बड़ा तगड़ा फंक्शन है भाई, मजा आ जाता है इसे पढ़ के, ठीक है, तो इसे पढ़ना ना भूलना, ओके आगे बढ़े, अगर इंटरेस्टिंग हो तो। क्या टाइम हुआ है, ए बाप रे 14 हो गए, कोई नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ अभी और। यस सर ओके, गुड, आर यू कंफर्टेबल मैम, अनु आर यू कंफर्टेबल मैम, गुड़िया सर, टाइम वही तो, वही तो, नो सर, ओके, गुड़िया कंफर्टेबल नहीं है, आई थिंक मेरे को लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा, देखो यार वो रोज ज्वाइन होती है, ठीक है, तो उनके लिए लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, कल के लेक्चर में प्लीज आना, ओके, अच्छे अच्छे ग्राफ सीखेंगे, बढ़िया वाले, मजेदार, ओके सर, हाँ मन मेरा भी है देखो पढ़ाने का, बट यार उनको काम होता है, ठीक है, ओके, तो थैंक यू सर, कोई बात नहीं, अरे आपके लिए थैंक यू भाई, आप रोज ज्वाइन करते हो, मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा अगर बच्चे ज्वाइन नहीं होंगे तो, या कोई भी ज्वाइन नहीं होगा तो, नॉट इवन बच्चे, ठीक है, तो आप चार लोग ज्वाइन होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट चार लोग हैं पढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच सर, कोई दिक्कत नहीं। मस्का मार रहे हैं, मस्का, ए कोई कन्वीनियंस नहीं मिलेगा, ठीक है, एक घंटे से ज्यादा का लेक्चर लाऊंगा कल को, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, कल क्लास है, ठीक है। और यार हाँ एक चीज और देखो, कल संडे है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कल को, देखो हमारे पास ना काफी सारे टॉपिक पढ़ने के लिए, थैंक यू सर, ठीक है, तो थैंक यू सर, हाँ ज्यादा लंबी क्लास लेने के लिए, ठीक है, तो देखो कल संडे है भैया, टाइम निकाल के बैठिएगा, ओके, 9 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे कर्व ट्रेसिंग पूरी खत्म करनी है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या रह गया हमारे पास, ठीक है, लॉग हो गया, ये हो गया, थैंक यू सर, थैंक्स सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जो रह गया, देखो फ्रैक्शनल पार्ट रह गया, सिग्नम फंक्शन रह गया, और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे, मतलब मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं जब हम एक्सिस पर कर्व कट करते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जब एक्सिस पर कट कर रहे हैं तब, उसके बाद हम बताएंगे कि कर्व टू कर्व इंटरसेक्शन कैसे होता है, कर्व टू कर्व, है ना, कोई मान लो दो कर्व है, जैसे सर्कल आ गया, पैराबोला आ गया, अब इनके बीच का इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, बहुत सिंपल चीज है ये, ठीक है, जल्दी आ जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन में मतलब हम ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज बतानी है आपको दो फंक्शन की, एक है साइन एक्स और एक है कॉस एक्स, तो इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन कैसे बनाना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है, काफी हार्ड लग रहा है ना देखने में, बड़ी सिंपल है, ठीक है, तो अच्छा लगेगा देख के, मजा आएगा, ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं यार, और बोर नहीं कर रहा, 14 से मैंने बता दी 17, ठीक है,
चलो भाई, टेक केयर है, ठीक है, कल मिलते हैं, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट। Gracias.